आज कुछ नए स्टार्टअप्स के बारे में बात करते हैं, कुछ ऐसी कंपनीज जिन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा, कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकाले और एक्चुअल में कामों को आसान बनाया। पहले नंबर पे है रिविगो। ये एक ऐसी कंपनी है जो बेसिकली ट्रक्स की ट्रांसपोर्ट को और ज्यादा फास्ट बनाने में लगी हुई है। हमारी ऑफलाइन मार्केट हो चाहे ऑनलाइन मार्केट हो, जितनी भी सारा सामान इधर से उधर जाता है वो सारा ट्रकिंग के थ्रू जाता है और इसके अंदर टाइम काफी ज्यादा लगता है क्योंकि बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। ट्रक एक शहर से दूसरे शहर में जाएगा, बीच में हब्स पड़ते हैं, नो एंट्री एरियाज होते हैं सिटीज के अंदर। इन सारी चीजों को इन्होंने डायग्नोस किया, एनालाइज किया और उसके बाद एक सॉल्यूशन निकाला। सॉल्यूशन ये था कि एक ड्राइवर 4.5 घंटे एक ट्रक को चलाएगा और उसके बाद सारा सामान पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लाके छोड़ देगा, पॉइंट बी से पॉइंट सी फिर दूसरा ड्राइवर सेम ट्रक को आगे लेके जाएगा और इस तरीके से ये लूप चलता रहेगा 24 घंटे। तो इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट करके देखा कि मुंबई से लेके बैंगलोर तक अगर ट्रक से हम कोई सामान भेज रहे हैं तो क्लोज टू पिकअप से लेकर डिलीवरी का टाइम जो है क्लोज टू 110 घंटे निकल के आ रहा है। लेकिन इन्होंने अपने इस पर्टिकुलर लूप से वही चीज करके देखी तो 44 आवर्स के अंदर ये लूप कंप्लीट हो गया और चीज डिलीवर हो गई। जैसे मैं आगरा हूं और मुझे दिल्ली कुछ सामान भेजना है तो यूजुअली मैं कुछ भेजूंगा तो मुझे एक दिन लगेगा, लेकिन अगर इनके लूप के हिसाब से बात करूं तो अगर मैं अभी कोई पैकेज ड्रॉप करता हूं तो वो नेक्स्ट जो ट्रक जा रहा होगा 1 घंटे में 2 घंटे में अभी के अभी वो 4.5 घंटे के अंदर दिल्ली पहुंच जाएगा और हो सकता है इवनिंग तक वो डिलीवर भी हो जाए। तो इस चीज को इन्होंने सेट किया और मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। दूसरे नंबर पे है जॉइन माय वेडिंग। अब आपको ये पता होगा कि फॉरेन में इंडियन जो फैट वेडिंग्स होती हैं कितनी ज्यादा पॉपुलर होती हैं, उनको यहां का कल्चर बहुत अमेजिंग लगता है और ये कंपनी उसी के ऊपर बैंक करती है। अगर हमारी शादी में कोई फॉरेनर आके नाचने लग जाए तो उसकी चर्चाएं दूर दूर तक होती हैं। तो ये कंपनी क्या करती है कि जो फॉरेनर्स ट्रैवल कर रहे होते हैं उनकी डेट्स इस तरीके से सेट कर देती है, बेसिकली उनको पैकेज देती है कि यहाँ पे जो शादी हो रही होगी वो आपको अटेंड करवाएंगे और ये पूरा बीच में मीडिएशन खा जाते हैं। तो फॉरेनर्स को मज़ा आ जाता है यहाँ की शादियाँ देख के, यहाँ की शादी वालों को मज़ा आता है थोड़ा सा मिल के, इनको भी मज़ा आ जाता है अपना मोटो पूरा करके। मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, आपको कैसा लगा ये सिस्टम नीचे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट है फीडिंग इंडिया। इंडिया में काफ़ी सारा खाना वेस्ट होता है, चाहे वो रेस्टोरेंट्स में हो या फिर ठेल वालों पे ही क्यों ना हो। अब वो खाना ज़्यादा बन गया हो या खाने वाले ने पूरा ना खाया हो वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि डेली एट द एंड नेशनल लेवल पे इतना ज़्यादा खाना एक्स्ट्रा बन जाता है जो वेस्ट होता है। ये कंपनी इसके लिए यहाँ पे खड़ी हुई है, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट से इन लोगों ने टाई अप कर लिया है और करते क्या है कि दिन के लास्ट में जो खाना बचा हुआ होता है वो रेस्टोरेंट से कलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद नीडी एंड पुअर जो जिनको नीड होती है उनको वहाँ पर पहुँचा देते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा कॉज भी है, यहाँ पे प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रही है, कॉज भी अच्छा हो रहा है, इसीलिए मैंने इसको इस लिस्ट में डाला, मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। नेक्स्ट है yourdost.com। आप चाहे खुश हो तो जाके इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हो, आप चाहे दुखी हो तो फेसबुक पे स्टेटस डाल दोगे या व्हाट्सएप की DP हटा दोगे, करते हो तो बताना। बेसिकली जो मन की बातें होती है वो हम किसी से शेयर नहीं कर पाते, इंस्टेड सोशल मीडिया पे जाते हैं, तो ये वेबसाइट उस वाली ऑडियंस को टारगेट कर रही है। अगर मुझे कोई बात है, कोई प्रॉब्लम है, कोई मेंटल स्ट्रेस है तो इस साइट पे जाके यहाँ पे बहुत सारे काउंसलर्स हैं जिनसे मैं अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकता हूँ, उनसे पूरा रियल टाइम में बात कर सकता हूँ और उनसे उनके जेन्युइन ओपिनियंस और सॉल्यूशंस ले सकता हूँ। तो इस चीज़ को अगर एज अ सोसाइटी देखा जाए तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपके मेरे ऑलमोस्ट हर एक के मन में कोई ना कोई बात ऐसी होती है जो हम हर किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं और इनफैक्ट कोई कोई ऐसी होती है जो किसी से भी शेयर नहीं करते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे काइंड ऑफ सॉल्व हो रही है, मन हल्का हो जाएगा, थोड़ा सा ईजी गोइंग हो जाएगा तो हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। वेबसाइट पे नहीं जाना हो तो इंस्टाग्राम आईडी ये मुझे बता देना, मैं सुन लूंगा आपकी सारी बात। इसके बाद है द ड्रेस बैंक। काफ़ी सारे ऐसे ओकेजन होते हैं या फिर ऐसी बातें हो जाती हैं कि हमको कोई कपड़े लेने पड़ते हैं, स्पेशली कुछ एक या दो फंक्शन के लिए और उसके बाद वो कपड़े सड़ते रहते हैं। शादियों में ऐसा होता ही है, लहंगा और शेरवानी दूल्हा दुल्हन की एक ही बार पहनी जाती है उसके बाद रख देती है। तो ये कंपनी है द ड्रेस बैंक, ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आई है। बेसिकली इनके पास बहुत ज़्यादा कलेक्शन है कपड़ों का, आप रेंट कर सकते हो कपड़े एक दिन दो दिन एक वीक के लिए और उसके बाद इनको रिटर्न कर दो, थोड़ा सा रेंट अमाउंट दे दो, आपका फंक्शन भी निपट जाएगा, बढ़िया कपड़े फ्लेक्स भी हो जाएंगे और पॉकेट पे इतना बजट भी स्ट्रेस नहीं होगा कि अननेसेसरी इतना ज्यादा स्पेंड करना पड़ रहा हो। आइडिया अच्छा है, सिटी लेवल पे काफी हद तक होता ही था, लेकिन अब वेबसाइट बना के इन्होंने ये नेशनल लेवल पे कर दिया है। कोरियर से पहुंचा देते हैं आपके सामान और कोरियर से ही रिटर्न पिकअप करवा लेते हैं।
तो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताना। इसके बाद है स्लाइस। आपने काफी सारे एड्स अभी तक देखे होंगे स्लाइस पे के नाम से, ये लोग कार्ड्स निकाल रहे हैं। नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और इन्होंने वीजा से टाई अप किया है। बेसिकली जो टारगेटेड ऑडियंस है इनकी वो है टीनएजर्स, जिनको घर पे बिना बताए खर्चे करने होते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही जगह इनके कार्ड चल जाते हैं। डायरेक्टली कार्ड्स इशू कर रहे हैं ये लोग अपने लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्रेडिट लिमिट्स के साथ, और उसमें काफी सारे ऑप्शंस दे रहे हैं पेमेंट के, और उस पर मल्टीपल रिवॉर्ड्स, अलग अलग तरीके कैशबैक्स, इस तरीके से उसको प्रमोट कर रहे हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा यूजर बेस इनका बन जाए। स्पेसिफिक नीच लेके चल रहे हैं इसलिए मुझे इंटरेस्टिंग लगा, नहीं तो 10,000 तरीके के कार्ड मिल रहे हैं बाजार में, जो चाहो वो ले लो। इसके बाद है हेल्प अस ग्रीन। आपने OMG पिक्चर देखी होगी जिसमें भगवान पे मूर्तियों पे बहुत सारा जो हम जल दूध घी सब चढ़ाते हैं, तो वो उसकी वेस्टेज को उन्होंने वहां पे हाईलाइट किया था। ये उस चीज से थोड़ा सा रिलेटेड है। ये कंपनी कानपुर बेस्ड है और बेसिकली क्या करती है, जो मंदिरों में जो फूल मालाएं या फिर बाकी की ऑर्गेनिक चीजें जो भगवानों पे चढ़ाई जाती हैं, उनको कलेक्ट करके फ्लावर साइकिल्ड नेचुरल और सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो यूज भी हो जाएं, अलग से कोई रॉ मटेरियल की नीड भी ना पड़े, और सबसे बड़ी बात जो नदियों में वेस्टेज की तरह हम लोग बहा देते हैं वो चीज़ वहाँ पे प्रिवेंट हो सकती है। बहुत बढ़िया चीज़ लगी भाई मेरे को। यूज़ का यूज़ हो रहा है, श्रद्धा की श्रद्धा हो रही है, और उसके बाद पॉल्यूशन का पॉल्यूशन बच रहा है। इनकी वेबसाइट एक बार विजिट जाके ज़रूर करना। लास्ट में है प्योर हिमालयन एयर। अब शहर की इतनी सारी पॉल्यूशन के अंदर कभी कभार मन कर जाता है यार पहाड़ों पे चलें, बढ़िया ठंडी ठंडी नेचुरल नॉन पॉल्यूटेड एयर का मजा लें। तो यहाँ पे ये कंपनी क्या कर रही है, एक्चुअल में पहाड़ों से एयर कलेक्ट करके कंप्रेस करके कैंस बना के बेच रही है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा आपको, अमेजन पे भी ये बिक रहा है। मैं सोच रहा हूँ इसकी अनबॉक्सिंग की जाए। कमेंट करके बताना क्या करना चाहिए। अब जो लोग हैं ना वो दो तरीके के हो सकते हैं, या तो इस आइडिया को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करें, या फिर तो बिल्कुल ही सनकी बोल के दो मिनट में इसको साइड कर दें। आप कौन से वाले हो नीचे मेरे को बताना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। मैंने इस तरीके को स्टार्टअप्स कंपाइल करे थे जो बेसिकली ज़्यादातर सोशल लाइफ में हमको प्रोग्रेस करें, और आप मुझे बताना कि आपको क्या ये इस तरीके की सीरीज पसंद आ रही है, इस तरीके कॉन्टेंट आपको पसंद है कि नए नए स्टार्टअप्स को भी डिस्कवर किया जाए, नीचे कमेंट करके बता देना। क्योंकि आपको पता है मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और सब पे अमल करता हूँ। जैसा आपका डिसीजन होगा उसी तरीके से आगे चैनल की ड्रिवन होगी। तो पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर इस तरीके की वीडियोस आपको पसंद हो। तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सरकास्टिक, सी या।